और आम आदमी का रिएक्शन तो क्या है, आम आदमी क्या सोच रहा है कि कौन सी पिक्चर गर्म है कौन सी पिक्चर ठंडी है अभी 1984 की बात है, मुझे तो याद है, लोग सभी को पता है, जी। लेकिन न्यूज़ में देखा था किसने किसको मारा क्या है। एक साइड पे जहां पे मैं देख रहा हूँ विजय, पूरा बॉलीवुड खड़ा है, और एक साइड पे सिर्फ कार्तिक आर्यन है, आउटसाइडर है। उसमें जमना भी चाहिए ना, स्कॉर्पियो में जमता है अजय देवगन, उसके अलावा कोई जमता ही नहीं। जी हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस 6 सितंबर को कंगना दीदी की पिक्चर आने वाली थी इमरजेंसी, लेकिन कुछ मुश्किलें आ गई पिक्चर को, कुछ उलझने में ये फिल्म फंस गई, और उसके कारण इस फिल्म को किया गया है पोस्टपोन। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मास, जी स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। जानना चाहेंगे कि असल वजह क्या है इस पोस्टपोनमेंट की। असल वजह यह क्या, इंदिरा गांधी जी के ऊपर पिक्चर है ये, पूरी फिल्म उनके ऊपर ही है, जी उनकी जर्नी है, उनकी जो डेथ हुई थी उसके ऊपर है। लेकिन कहते हैं कि पंजाब में कुछ ऑब्जेक्शन उठा है, क्या अच्छा, सिख बोलते हैं, नहीं नहीं लोगों ने, सिख लोगों ने बोला, ओके इंदिरा गांधी जी को उन्होंने, हम लोग ने नहीं मारा। अभी ओके जी 1984 की बात है, मुझे तो याद है, लोग सभी को पता है, जी न्यूज़ में देखा था किसने किसको मारा क्या है। अभी जो भी वजह है, अभी कंगना जो दिखाना चाहती है वो दिखाएगी, कुछ गलत तो नहीं बताएगी, जो भी हुआ है वही बताएगी ना, कुछ और तो नहीं बता सकती हो। कुछ और अगर बताएगी तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, मरी तो सच जो बात है वही है, ओके तो उसमें एक क्या कर इंटरव्यू में सकते आके बोल के भी गई कंगना कि मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकती कि बिजली कड़क गई हो। और यस उनकी यस मौत हो गई, नहीं जो हाँ, हुआ है वो दिखाना पड़ेगा। अभी तक जितनी भी जिसकी भी बायोपिक आई जो है वही बताया ना, कुछ अलग कैसे बता सकते आप, अलग बता ही नहीं सकते, तो यहाँ ओके प्रॉब्लम और आई है। सेंसर की तरफ से भी सर्टिफिकेट रोका गया है, क्या कहाँ जा रहा है इस पिक्चर के लिए। सेंसर भी बोल रहे कि आपको क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा। अब कंगना दीदी एकदम उलझन में है कि करे तो क्या करे, नहीं ये कोई फिल्म थोड़ी है कि उसको क्लाइमेक्स चेंज करे, किसी के जीवन पे आधारित फिल्म है ना ये, तो बायोपिक हाँ तो जो है वही करना पड़ेगा, जैसी जर्नी है वैसे ही करना पड़ेगा, जो भाषण में क्या बोला है जो भी वही रहना पड़ेगा ना, अलग तो नहीं कर सकते ना हम लोग, है। जी जी ये तो फिर प्रॉब्लम है। ओके ओके सो चेंज नहीं नहीं कैसे कर पाएंगे इसको। कर पाएंगे, क्या यस बताओगे आप, इंदिरा गांधी जी को किसने मारा था क्या बताओगे, तो हाँ दूसरे धर्म के लोग भी ऑप्शन उठाएंगे, ये क्या बता दिया कि एक कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, 1984 की बात है, ओके तो गलत बात हो जाती है। तो फिर आपको पहले ही ऑप्शन उठाना था, जब पिक्चर बन रही थी तभी, कि भाई बना रही हो ठीक है लेकिन ये मुद्दा काट दो, कैसे बताना था। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अभी फिर से वापस उनको क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा अगर वो करना चाहेगी तो, और फिर वापस मिक्सिंग में जाएगी पिक्चर, ओहो और फिर उनको वापस से सर्टिफिकेट लेके और डेट देनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा काम कम बढ़ गया है कंगना रनौत का, प्रमोशन बहुत कर दिए थे कंगना ने। हालांकि ट्रेलर आपको इतना पसंद नहीं आया था, आपने कहा था कि ये फिल्में देखना पब्लिक बोर हो गई है अभी। नहीं यस, लेकिन फिर भी हो थोड़ी बहुत तो गर्म हो गई थी गई, पिक्चर, गर्म लग हो रहा गई था पिक्चर, आपको। ओके गर्म हो गई थी तो और गर्म हो जाएगी। ओके लेकिन विजय, जब पोस्टपोनमेंट की डेट आती है, हाँ वहाँ ऐसी थोड़ा बात आती है, तो फिर वहां पे लोग भी इंटरेस्ट छोड़ देते, छोड़ लगता है देते, आपको ऐसे? हाँ ऐसा होता ही है, सही बात है, हाँ जैसे पिक्चर लेट हुई पब्लिक छोड़ो यार बोलते, हाँ ऐसा अभी होता देखो था, पुष्पा का भी सेम हुआ, सेम हो गया, 15 अगस्त की 6 रिलीज डेट दिसंबर आ दी थी, गया, चलिए लेकिन छः 6 दिसंबर दिसंबर आ पे चलेगी गया, तो थोड़ी हाँ गर्मी कम हो गई कम है। हो गया, राइट, यस यहाँ जरा प्रॉब्लम हो जाता है, जो भी है इंदिरा गांधी जी के जो भी है वो उसी पे बनाना चाहिए, तो अलग तो नहीं कर सकते ना कुछ। ओके और ओके तब तक मतलब साउथ की पिक्चर आएगी, बॉलीवुड की पिक्चर एक भी नहीं है, करेक्ट वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यस। अभी ये पूरा महीना हम देख रहे हैं, अभी 6 तारीख को 2 साउथ की पिक्चर है, 15 अगस्त के बाद में एक भी बॉलीवुड की पिक्चर पिक्चर नहीं नहीं है। है, अभी सीधा 27 सितंबर को ओहो देवारा आएगी, जो कि बड़ी बोल बड़ी सकते हैं थोड़ा बॉलीवुड की पिक्चर है, लेकिन मेकर्स है साउथ के, करण जौहर का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई वो बड़ी हो गई, पिक्चर। राइट, उसके बीच में एक दो पिक्चर है, जो युद्ध, आपने ट्रेलर देखा था, थोड़ा पसंद आया ट्रेलर आपको। आज एक करीना कपूर का ट्रेलर आया है, बकिंगम मर्डर्स, वो उसमें भी हम बात करेंगे। अब बात आता हूं मैं, रोहित शेट्टी ने एक वीडियो रिलीज किया है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो उड़ाते हुए, देखा है ऐसा लगा कि स्कॉर्पियो की ऐड कर रहा है, लेकिन लिखा है नीचे कि इस बार स्कॉर्पियो भी उड़ेगी, वही हीरो यार, हाँ, और घूमेगी भी, तुम्हें की लेकिन जो बड़ा एंट्री होगी वो किसी और की होगी। राइट, यस रोहित शेट्टी का स्कॉर्पियो मेन है, वो दिखा दिया तो समझ रहे अजय देवगन आया, अक्षय कुमार आया, खासकर अजय देवगन ही आता है, जी या फिर रणवीर सिंह आएगा, अभी देखते हैं, कहते हैं कि वो उसमें से कोई नहीं होगा, हाँ, उसमें से कोई नहीं कोई होगा, नहीं कोई होगा, तो नए वाले की नए एंट्री वाले में, होने वाली। क्या लग रहा है, कौन सा, कौन प्रेडिक्ट कर रहे अरे हो आप? कौन, उसमें जमना भी चाहिए ना, स्कॉर्पियो में जमता है अजय देवगन, उसके अलावा कोई जमता ही नहीं, जी तो टर्न मार के ऐसे आता ना मजा आ जाता है, यस, पैसा वसूल उधर हो जाता है पब्लिक अच्छा का। वसूल हो जाता है, राइट, जी जी देखते हैं अभी।
ओके रोहित शेट्टी किसको लाते हैं, मतलब अभी रोहित शेट्टी धीरे धीरे गरम कर रहा है पिक्चर को, लेकिन उसके सामने है अनीस बाजमी की पिक्चर भूल भुलैया 3, कार्तिक आर्यन है, कार्तिक आर्यन को नाम पड़ा था बॉलीवुड का मसीहा। इस बार क्या लग रहा है टक्कर में, क्लैश है? पहले भी चली थी, सेकंड भी चली थी, और ये पिक्चर और गरम है 3 वाली जी। तो भूल भुलैया 3 भी चलेगी, वो जबरदस्त ओपनिंग लेगी। ओके ओके, लेकिन एक साइड पे जहाँ पे मैं देख रहा हूँ विजय पूरा बॉलीवुड खड़ा है, और एक साइड पे सिर्फ कार्तिक आर्यन है आउटसाइड है, क्या लग रहा है? आउटसाइडर सही बात है, सपोर्ट कोई नहीं करते, बात तो सही है, फिर भी ये आगे निकल गया, प्रोड्यूसर भी बन गया, ये बड़ी बात है। और जिन जिन लोगों ने इसको ये किया है, आज बड़े बड़े एक्टर का नाम नहीं लूंगा, आज उनके पीछे फ्लॉप हो रही है, 2 करोड़ की ओपनिंग ले रहे बड़े बड़े एक्टर, तो मतलब समझ जाओ अभी। और छोटी पिक्चर 50 करोड़ ले रही है, श्रद्धा कपूर 50 करोड़ ले रही है, और बड़े बड़े एक्टर जो 70-80 करोड़ लेते हैं उसकी ओपनिंग 2 करोड़, अब बड़ा कौन हो गया देखो। ओके ओके, और ये जो खाली फेज दिखाई दे रहा है हमको सितंबर का, जहाँ पे कोई भी किसी ने भी अनाउंसमेंट ऐसे बड़े फिल्म की नहीं की है, वो कैसा देखते हो आप? 15 अगस्त के बाद में एक भी ऐसी कोई बड़ी पिक्चर नहीं, 15 अगस्त 4 पिक्चर लगी, अब हर एक पिक्चर क्यों नहीं लगा दी? देखो ऑड डे में भी सीरीज चली ना, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ लिया कि नहीं? यस, तो आपकी पिक्चर आती थी चलती थी, अच्छी होगी तो चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? इनको एक डर होता है 15 अगस्त को पिक्चर आएगी तो हमारी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, किसी भी दिन डालिए, आपकी पिक्चर अच्छी होगी चलेगी। ओके ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों कंगना दीदी कब अपनी डेट अनाउंस करती है, और रोहित शेट्टी और क्या क्या यूनिट्स रिलीज करते हैं उसके लिए भी हम उत्सुक है। एंड बाकी बहुत बड़ी कास्ट है उनके पिक्चर की, और सिंघम जब भी आता है तो ब्लॉकबस्टर का टैग लगता ही है, और रोहित शेट्टी का एक स्टैंप है उसपे, रोहित शेट्टी और अजय देवगन जब भी साथ में आए तभी बम्पर ओपनिंग ली है। लेकिन इस बार कार्तिक आर्यन भी है क्लैश में, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, आगे पीछे एक दिन भी कोई भी करने को तैयार नहीं है, बोल रहे की दिवाली की डेट लिए दिवाली पे आएंगे, देखते हैं। यस, दिवाली के 2 पिक्चर तक ठीक है, 4-4, 5-5 पिक्चर लगे तो लपड़ा हो जाता है, 2 पिक्चर में सेकंड को और फ्लो मिल जाता है। yes. अगर पिक्चर अच्छी नहीं हुई तो जी जी जी, चलिए देखते हैं क्या क्या और यूनिट्स आते, उन सारे यूनिट्स पे विजय जी हम आएंगे आपके पास में बात करने के लिए, आपका रिएक्शन जानने के लिए, आपका ऑनेस्ट रिएक्शन जानने के लिए, क्योंकि आम जनता रुकी रहती है कि ये सारे यूनिट्स आए और आम आदमी का रिएक्शन क्या है, आम आदमी क्या सोच रहा है कि कौन सी पिक्चर गर्म है कौन सी पिक्चर ठंडी है, उसके ऊपर पब्लिक डिसाइड करती है कि हमको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। थैंक यू बोलना चाहूंगा विजय जी।